हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित खुराना, आपका होस्ट इंटेलेक्ट डाइजेस्ट हिंदी पे। और यह सैमसंग गैलेक्सी का M21, क्या आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए? तो सीधा हम मुद्दे पे आते हैं। ये फ़ोन लॉन्च किया गया है 13,000 और 15,000 की कीमत पे। 13,000 में आपको मिल जाता है 464 वेरिएंट और 15,000 में मिल जाता है 6128 वेरिएंट। और हालांकि M31 भी लॉन्च हुआ था, वो 15,000 और 16,000 की कीमत पे हुआ था, वो सिर्फ 16,000 में आपको इससे कई बेटर फीचर्स दे देता है। बट अगर हम उस फ़ोन को भूल जाएं तो क्या ये फ़ोन ख़रीदने लायक है? इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। प्रोज है इसका स्क्रीन, जो सबसे बड़ा प्रो है इसका 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि बहुत ही शानदार लगता है। साथ ही में आपको मिल जाता है इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप पीछे और आगे की तरफ 20 मेगापिक्सल का कैमरा। जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, जो पिक्सल बिनिंग करके 12 मेगापिक्सल के रिजल्ट्स देता है। और इसके कैमरा के रिजल्ट्स हमें बहुत ही शानदार लगे। इसमें फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। और यहाँ पर अगर आप देखें इसके रिजल्ट्स, ये अल्ट्रा वाइड फोटो है, नॉर्मल फोटो है, और यहाँ पे कुछ हमने और पिक्चर्स ली हैं। इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है और सेल्फीज भी बहुत अच्छी लेता है 20 मेगापिक्सल में। इसमें सबसे शानदार बात यह है कि 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है, जो आराम से पूरा दिन चलेगी, आप हैवी यूज़ करेंगे तो भी, और साथ ही में फास्ट चार्जर आता है। अब मैं आपको इसके कुछ डाउन साइड्स बताता हूँ कि 15,000 की कीमत में आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए। पहली चीज़ के प्लास्टिक बॉडी में आता है, थोड़ा चीप फील होता है। आपको मिल जाते हैं बहुत ही बेहतरीन ग्लास बैक वाले फ़ोन 15,000 की कीमत में, बट ये थोड़ा सा उनमें अगर आप इसके साथ में रखेंगे किसी उस तरह के फ़ोन से, तो ऐसा लगेगा आप कोई सस्ता फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये उसी कीमत पे आता है। दूसरी चीज़, ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट, आप देखिए इस पर कितने स्मजेज आ रहे हैं। इसका जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा डस्ट अट्रैक्ट करता है, तो आपको बैक कवर खरीदना पड़ेगा। और बॉक्स में आपको नहीं मिलता है, ना ही आपको ईयरफोन्स मिलते हैं, तो एक्सेसरीज़ के मामले में आपको बहुत ही बेसिक मिलता है। साथ ही में तीसरी चीज़ जो है, जो सैमसंग की मैं कहूँगा, मुझे लगता है कि सैमसंग के जो प्रोसेसर्स हैं वो गेमिंग के लिए उतने हाई एंड नहीं हैं, जो कि बाकी ब्रांड्स आपको 15,000 की कीमत में प्रोसेसर्स दे रहे हैं। ये एक्जीनोस 900 सीरीज़ का प्रोसेसर है, जो कि अच्छा खासा है, ठीक ठाक परफॉर्म करता है, बट ये गेमर्स के लिए फ़ोन नहीं है। अगर आप फोटोज़ खींचते हैं तो ये बहुत ही शानदार फ़ोन है, आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, और अगर आप गेमिंग करते हैं तो शायद आपको ये नहीं खरीदना चाहिए। तो ये थे मेरे विचार कि M21 आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आपके क्या विचार हैं, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक चीज़ जाते जाते मैं आपको बताऊंगा कि M31 जो है, जो अगर आप टॉप वेरिएंट खरीदना चाह रहे हैं 15,000 वाला, तो 1,000 और डालिए और M31 खरीदिए M21 की बजाय। उसके भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब रीज़न मैं क्यों बता रहा हूं, अगर आपका 1,000 का बजट रिलैक्स हो सकता है तो उसमें आपको चार कैमराज मिलेंगे, एक मैक्रो लेंस एक्स्ट्रा मिलेगा, पीछे 48 की जगह 64 मेगापिक्सल मिलेगा और आगे 20 की जगह 32 मेगापिक्सल मिलेगा। तो आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिल जाएगा 1,000 रुपये की कीमत पर सिर्फ। तो M21 से अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं और आप हायर वेरिएंट खरीदना चाह रहे हैं M21 का, तो रुक जाइए और M31 खरीदिए, वो इससे बेहतर फ़ोन है। आपके क्या विचार हैं, आपको कैसा लगा वीडियो, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम ये वीडियो अपने लॉकडाउन में बना रहे हैं अपने घर से, तो हो सकता है आपको सेटअप थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो, बट आपको ये फ़ोन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। पसंद आया हो तो थम्स अप दबाइए, वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपसे जल्दी मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।